रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह सुबह सुनीता अपने घर वालों के साथ हॉल में बैठकर चाय पी रही थी, तभी वहाँ सभी को बाहर से शोर सुनाई देता है, जिसे सुनकर सभी लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने वाले घर में नए पड़ोसी आए हैं। तभी सुनीता की नज़र वहाँ खड़े एक कमलेश नाम के आदमी पर जाती है, जिसे देखते ही वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं सुनीता का एक्स था। तभी वो उनके पास जाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतने सालों बाद? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें इतने सालों बाद अपने सामने खड़ा देख रही हूँ। हैरान तो मैं भी हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। कॉलेज के बाद तो मुझे लगा था कि शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तभी सुनीता का पति धर्म उन दोनों को बातें करते हुए देखकर उसके पास जाता है और कहता है, सुनीता क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो? आप लोगों के बात करने के तरीके को देखकर लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो। हाँ भाई साहब जी, हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन आप है कौन? मैं सुनीता का पति हूँ, और आप कौन? मैं तो सुनीता जी का एक्स। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है मैं सुनीता जी का कॉलेज फ्रेंड हूँ। आपकी श्रीमती जी और मैंने एक साथ ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी थी, उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, तब से आज मुलाकात हुई है। क्या बात है, अभी तक तो क्लासमेट ही थे, अब पड़ोसी भी हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी आइएगा जरूर हमारे घर। जी बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो अभी तक ये सोच रहा था कि पता नहीं नई जगह पर नए पड़ोसी कैसे होंगे, लेकिन अब तो ये परेशानी भी खत्म हो गई। चलिए अब मैं चलता हूँ, अभी पूरे घर की सेटिंग भी करवानी है, फिर मिलता हूँ। कमलेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुनीता भी अपने घर वालों के साथ घर आ जाती है। इतने सालों बाद अपने एक्स को अपने सामने पड़ोसी के रूप में देखकर एक तरफ वो बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी था कि उसके घर वालों को अगर उसके एक्स के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। ऐसे ही एक रोज शाम के समय सुनीता अपनी बहू सारिका के साथ मार्केट से लौट रही थी, तभी कमलेश अपनी गाड़ी उनके आगे रोक कर कहता है, कहाँ जा रही हैं सुनीता जी अपनी बहू के साथ? आप कहें तो मैं छोड़ दूं आपको। नहीं नहीं अंकल जी, हम चले जाएंगे, आप परेशान ना हो, इसी बहाने थोड़ा चलना भी हो जाएगा, वैसे भी घर से बाहर निकलने का मौका ही कहाँ मिलता है। हाँ वो बात सही है बहू, लेकिन शाम हो गई है, वैसे भी अभी ठंड का मौसम है तो जल्दी रात भी हो जाएगी, खामखा परेशान हो जाओगी, इसीलिए बोल रहा हूँ। सुनीता जी आप ही कुछ समझाइए बहू को, शायद आपकी सुन ले। जब कमलेश जी इतना कह रहे हैं तो चल लेना बहू, वैसे भी ये हमारे पड़ोसी भी तो हैं और हम जा भी तो घर ही रहे हैं ना, तो इन्हीं के साथ चल लेते हैं, क्या हो गया? सुनीता के कहने पर सारिका गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन कमलेश का यूं बार बार उसकी सास के पीछे पड़ना सारिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सारिका की नज़र गाड़ी के सामने वाले शीशे पर जाती है, जिससे कमलेश पीछे बैठी सास को देख रहा था, जिसे देखकर सारिका कहती है, अंकल जी ज्यादा पीछे देखकर गाड़ी मत ही चलाइए, बल्कि आगे देखकर चलाइए, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर इस बुढ़ापे में हड्डियाँ टूट गई तो जुड़वाना बहुत मुश्किल होगा। बहू ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का, यही संस्कार है तुम्हारे? माँ जी मुझे अच्छे से पता है किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, लेकिन कभी कभी किसी के साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव ही हमें भारी पड़ जाता है। तू क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनीता जी मुझे लगता है कि बहू को मैं कोई खास पसंद नहीं हूँ, इसलिए बहू मुझसे ऐसा बर्ताव कर रही है। ऐसी बात नहीं है अंकल जी, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, बस आप अपनी नज़र गाड़ी चलाने पर रखिए, वही अच्छा है, और अब गाड़ी रोक भी दीजिए, क्योंकि शायद बातें करते करते आपको पता नहीं चला लेकिन हम घर पहुँच गए हैं। हाँ हाँ बहू तुमने सही कहा, हम तो सच में पहुँच गए, माफ करना मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं अंकल जी, चलिए माँ जी। सारिका इतना कहकर अपनी सास को लेकर घर में चली जाती है। अपने पड़ोसी की ऐसी हरकतें देखकर सारिका को उस पर शक होने लगता है, जिसके बाद वो सुनीता और कमलेश पर नजर रखना शुरू करती है। तभी एक रोज सारिका अपनी सास को चोरी चुपके कमलेश के घर जाते हुए देखती है, जिस पर वो भी पीछा करते हुए उसके घर जाती है, जहां वो अपनी सास और कमलेश को गले लगा हुआ देखती है, साथ ही उनकी बातें भी सुनती है। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है? अब हमारी उम्र आशिकी करने वाली नहीं है, कल को अगर मेरे घर में पता चल जाता तो क्या होता? मैं क्या करूं? तुम्हें अपनी आंखों के सामने ना देखकर मुझसे रहा ही नहीं जाता, मन करता है बस तुम्हारे पास रहूं, तुमसे बात करूं। अगर तुम उस दिन मेरे साथ भाग गई होती तो आज तुम्हें मुझसे ऐसे चोरी चुपके नहीं मिलना आना होता। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तुम्हारे करीब रहने का, अब मैं इसे नहीं खो सकता।
मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मुझे बस इसी बात की खुशी है कि अब मैं तुम्हें हमेशा अपने पास तो देख सकती हूँ। मैं भी तुम्हें आज तक नहीं भूल पाई। अपनी सास और उनके एक्स के बारे में जानकर सारिका के होश उड़ जाते हैं। तभी वो अपने मन में कहती है, अब समझ में आया कि माँ जी को अपने पड़ोसी से इतना लगाव क्यों है, क्योंकि ये तो इनके एक्स हैं। बताओ, जब लोगों को पता चलेगा कि इस उम्र में भी मेरी सास का एक्स है तो लोग क्या कहेंगे? बेचारे मेरे ससुर जी, उनका क्या होगा? मेरा तो घर ही बिखर जाएगा। मुझे माँ जी से बात करनी पड़ेगी। उस समय सारिका चुपचाप वहाँ से चली जाती है और घर के हॉल में बैठकर अपनी सास के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद सुनीता के आने पर सारिका उसे सारी बात बताते हुए कहती है, माँ जी, आज की बात तो मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन आगे के लिए आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए तो अच्छा है, वरना मैं ससुर जी को आपके एक्स के बारे में बता दूंगी। आप मुझे दोबारा अपने एक्स के साथ नजर ना आए, यही अच्छा होगा। बहू तो गलत समझ रही है, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। आज के जमाने में लड़की होकर तू इतनी छोटी सोच रखेगी, अच्छा नहीं लगता। माँ जी, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, और आपको जो समझना है समझ लीजिए। बस मेरी एक बात याद रखिएगा आप, अगर मुझे किसी ने भी तेरी सास का एक्स है कह के ताना सुनाया ना तो अच्छा नहीं होगा। सारिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुनीता अपनी बहू के सामने कमलेश को बिल्कुल इग्नोर कर देती थी, जिससे उसे लगता था कि उसकी सास ने अपने एक्स से मिलना छोड़ दिया है। लेकिन सारिका इस बात से अनजान थी कि उसकी सास अभी भी अपने एक्स से चोरी चुपके मिलती है। समय बीतता है, तभी एक रोज कमलेश सुनीता को अकेले देखकर उसके घर उसे गुलाब देने के लिए आता है और कहता है, बहुत समय बाद हमें ये टाइम जीने को मिला है, ये रोज लो और जल्दी से एक स्माइल करो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर मेरी बहू ने फिर तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर से वो शुरू हो जाएगी कि वो सबको बता देगी कि तुम उसके सास के एक्स हो। तुम भी कितना डरती हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी बहू को घर से बाहर जाते हुए देखा है, और तुम्हारा पति बेटा तो ऑफिस गए होंगे, मैं तभी आया हूँ। अब अगर तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हो तो एक बार हक तो कर लो। कमलेश के कहने पर जैसे ही सुनीता अपने एक्स को गले लगाती है, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर जाती है, जहाँ अपने सभी घर वालों को खड़ा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जो कि उसकी और कमलेश की सारी बातें सुन रहे थे, जिन्हें देखते ही वो अपने एक्स को खुद से दूर करती है। तभी उसका पति धर्म अंदर आता है और उससे कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? इस उम्र में तुम अपने एक्स के साथ चक्कर चला रही हो? एक बार भी ये सोचा कि जब ये चीज जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगी उन्हें कितनी ठेस पहुँचेगी? आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे तो सुनीता जी ने बुलाया था, इसीलिए मैं आया। यही मेरे पीछे पड़ी है कॉलेज टाइम से, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। देखा माँ जी, आपने जिस इंसान के लिए अपने पति को धोखा दिया, वही इंसान आज मुसीबत आने पर सारा इल्जाम आपके ऊपर डाल रहा है। अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने पति से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है, साथ ही अपने एक्स के झूठ बोलकर सारा इल्जाम उस पर लगाने के लिए उसे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल देती है। इस तरह से सारिका अपनी सास के एक्स को उसकी जिंदगी से और घर से दूर करने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।